हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन क्लासेस। आज हम नाइन्थ क्लास का मैथ्स का चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है पॉलीनोमियल्स। ये वो चैप्टर है जो हम लोअर क्लासेस में भी हमने पढ़ा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ सुना हुआ है। आज हम उस पूरे को समराइज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारी नाइन्थ क्लास में उसका लिंकअप कैसे बैठता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो स्टार्ट चैप्टर पॉलीनोमियल। देयर आर सम टर्म्स, कुछ टर्म्स लिखे हुए मैंने। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब लेटरल्स। जैसे अब वेरिएबल्स होते हैं ए बी सी, जो भी लेटर्स हैं आपके, 26 लेटर्स हैं आपके पास, दीज ऑल आर कॉल्ड वेरिएबल्स। नंबर्स आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं, डेसिमल्स में बोलते हैं, रैशनल इरेशनल सारे नंबर्स हमारे पास, दीज ऑल आर कॉल्ड नंबर्स। तीसरा मैथ्स में ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब क्या कीजिए, इन सब मैथ को एक बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। अब उनमें से सेलेक्ट करते हैं एक-एक। क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, एक नंबर लेना है, एक ऑपरेशन लेना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में यूं बोला जा सकता है कि पापा ने चिंटू का रिजल्ट देखा, रिजल्ट देखने के बाद चिंटू को मार दिए 3 थप्पड़ और चिंटू रोने लग गया। तो एक्सप्रेशन कैसा, रोने का, मैथ्स में माइनस। उसके बाद जबकि सिस्टर का जब रिजल्ट देखा तो पापा हो गए खुश, हैप्पी, और सिस्टर को 300 रुपये एज ए गिफ्ट दिए। सो दीज आर द एक्सप्रेशन। इसी प्रकार से 3m, मम्मी ने 3 times ज़्यादा रुपीज दिए, किसको, अपनी गुड़िया को। सो क्या है ये, दीज ऑल आर एक्सप्रेशंस चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, एक्सप्रेशंस। आपने देखा रोने का, हंसने का, ज्यादा खुशी होगी। सो दीज आर कॉल्ड एक्सप्रेशन, बट क्योंकि इसमें लेटर्स लगे हुए हैं इसलिए इसको मैथ्स में क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो इनको कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये आपने 7th और 8th में पढ़े हैं। समझ आया एक्सप्रेशंस का मतलब, एक्सप्रेशन मतलब आपको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, रोना, हंसना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जैसे अब मैं सिंपल ऐसा बोलू 500 m, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। एक नंबर है, एक लेटर है, और बीच में ऑपरेशन क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई। अब मुझे बताइए क्या 25 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो ना लेटर है ही नहीं, नंबर तो है, क्या ऐसा लिख सकते एक्स रेस्ट पावर 0। अभी लास्ट चैप्टर पढ़ा है समथिंग पावर 0 क्या होता है, 1। तो 25 × 1 वापिस से 25 आ जाएगा, कोई फर्क। तो सिंपल खाली अगर नंबर भी लिखा हो तब भी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। खाली लेटर लिखा हो एक्स, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके आगे नंबर क्या चल रहा है, 1, ऑपरेशन क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई। बट खाली ऑपरेशन हो तब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता। तो समझ आया, तो दीज आर कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये तो हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पर चैप्टर चल रहा है पॉलीनोमियल। अब पॉलीनोमियल क्या होता है, अब ध्यान से देखना है। 4 क्या तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। लेटर्स, नंबर्स, वेरिएबल्स सबका कॉम्बिनेशन चल रहा है। पहले में देखिए जो लेटर्स हैं, वेरिएबल्स, उनकी पावर 2, पावर 5, पावर 3, पावर 5, पावर 15। यहां पे पावर बताइए कुछ नहीं है, तो पावर 0, पावर 1, पावर हाफ, पावर 0। अब ध्यान में रखिए वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर होल नंबर होगी वो तो होंगे पॉलीनोमियल। क्या होंगे, पॉलीनोमियल्स। ये सब होल नंबर 0, 5, 2, 3, 5, 15। बट क्या ये पॉलीनोमियल है, नो, दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल। कोई बताएगा क्यों, बिकॉज यहाँ पे टी की पावर कितनी है, हाफ। वेरिएबल की पावर जब भी फ्रैक्शन में होगी तब वो पॉलीनोमियल नहीं होगा। या अगर इसकी जगह ऐसा होता तो क्या ये पॉलीनोमियल होता, ये भी पॉलीनोमियल नहीं होता। कारण, क्योंकि पावर किस में चल रही है, नेगेटिव। तो कब का पॉलीनोमियल नहीं होता, तो स्टार बना रहा हूं, व्हेन पावर्स आर इन, नंबर 1 फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए पावर, और नंबर 2 नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। व्हेन पावर्स
आर इन्फ्रैक्शंस एंड नेगेटिव देन दे आर नॉट पॉलिनोमियल्स, तब वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाते हैं। तो फटाफट से बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, कारण अपॉन में वाई है। अगर ऊपर लेके आएंगे तो देखो फटाफट से बताओ, ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा पावर, अभी वन है तो ऊपर आएगा तो माइनस वन, माइनस वन जैसे होगा ये भी पॉलिनोमियल नहीं। तो आज का फर्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट कि पॉलिनोमियल कब नहीं होते हैं, दो जगह, जब पावर किसमें होगी फ्रैक्शंस में, और जब पावर किसमें होगी नेगेटिव में, तब वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। एक और चीज, अगर ऐसा लिखा हो क्या ये पॉलिनोमियल है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा रूट, रूट को क्या कहते हैं, रूट वाई है, तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1/2, तो क्या अभी पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में हो गया इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। कर लेते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल कहा जाता है व्हेन द पावर्स ऑफ अ वेरिएबल, जो लेटर्स हैं, जो लेटर्स लिखे हुए हैं उनकी पावर किसमें होनी चाहिए, होल नंबर में, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, व्हेन द पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल है, जो लेटर्स हैं एक्स वाई जेड, उनकी पावर या तो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये भी नेगेटिव है, ये भी नीचे भी लिखे हुए तो वो भी नेगेटिव होता है, ऊपर जाएंगे तो क्योंकि वो नेगेटिव बनेंगे। यहां से देखिएगा 4x - 3y, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, पॉलिनोमियल लिखा है इसमें। अब इन दोनों के बीच में साइन क्या चल रहा है, माइनस, माइनस साइन से टर्म्स अलग अलग हो जाती है, जब ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, तो नया वर्ड क्या है, टर्म्स। तो व्हाट आर टर्म्स, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, किस साइन से, प्लस और माइनस साइन से टर्म्स अलग अलग हो जाती हैं, जैसे 4 - 3y + 7z - 5t, हाउ मेनी टर्म्स, 1, 2, 3, 4, फोर टर्म्स हैं यहाँ पे, अंडरस्टूड, प्लस माइनस से टर्म्स अलग हो जाती है। अब यहाँ पे बताइए 4y, हाउ मेनी टर्म्स, ओनली वन, बिकॉज मल्टीप्लाई साइन से टर्म्स अलग नहीं, मल्टीप्लाई बाय 3z / 2 - 5t, हाउ मेनी टर्म्स, टू टर्म्स। अब ये देखिए, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड, ये पूरी टर्म क्या है, एक ही है, और ये टर्म अलग होगी, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। तो आपको टर्म का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, टर्म्स किससे अलग अलग होती है, एक प्लस और एक माइनस साइन से ही अलग होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो ये है टर्म्स। अब इसी टर्म के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के नेम्स, नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए यहां पर ध्यान से, नंबर वन मोनोमियल पढ़ा हुआ आपने, अब थोड़ा सा मोनोमियल को काट देते हैं, मो प्लस नोमियल, अब इसका मतलब समझ आते, दो मिनट में, मो मतलब होता है वन, मियल मतलब होता है टर्म्स, इसका मतलब जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म होगी उसको मोनोमियल कहेंगे, जैसे 4, सिंपल 4, या 4t, ये एक एक टर्म्स वाली, 4 अकेले में एक टर्म, 4t अकेले में, ये मोनोमियल्स। सेकंड, फटाफट से बताइए, एक और सुना होगा आपने, बाइनोमियल, बाय मींस टू, मियल्स मतलब, नोमियल्स मतलब टर्म्स, टू टर्म्स, एग्जांपल बताइए, 2x + 4y, 3z - t, 5 - 3p, दीज आर बाइनोमियल्स। थर्ड, एक और ट्राइनोमियल, अब शायद आपको पता चल गया होगा, ट्राई मतलब थ्री, जिसमें थ्री टर्म्स हैं, एग्जांपल 5 - x - y, 2y³ - 3y² + 5, दीज आर ट्राइनोमियल्स। अंडरस्टूड? तो अब बताइए व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, एक तो पॉलिनोमियल ये डेफिनेशन, या पॉली, पॉली मतलब मोर, और नोमियल्स मतलब टर्म्स, तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, तो ये टू एंड मोर देन टू टर्म्स, इन सब को क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, पॉली मतलब मैनी, नोमियल्स मतलब टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो हमने अकॉर्डिंग टू टर्म्स ये नेमिंग, एक पॉलिनोमियल, ये देखिए हाउ मेनी टर्म्स,
फोर टर्म्स। सबसे पहले मुझे बताइए एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, या एक्स की पावर कुछ नहीं है तो 0, क्लियर। मुझे बताएंगे हाईएस्ट पावर क्या है, आप बोलेंगे सर 3 हाईएस्ट पावर। इसी को कहा जाता है डिग्री, क्या कहा जाता है, सो व्हाट इज डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल in a polynomial, the highest power of a variable in a polynomial is called degree. So क्या होता है degree? जो उस polynomial की जो सबसे बड़ी power होगी उसी को degree कहा जाता है। आ जाइए फटाफट से। According to degree, अब degree के according नाम पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल देखते जाइए फटाफट से। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बताइए पहले वाले में व्हाट इज द पावर ऑफ एक्स, 1, जिसकी तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है 1, हाईएस्ट पावर ही, उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है। चैप्टर याद हो तो आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, वहां पे आपने सबकी पावर 1 होती है। सेकंड बताइए फटाफट से डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर 2, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड नाम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUADRETIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट बताइए डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर 3, इसको बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4, हाईएस्ट पावर 4, इसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब वर्ड पकड़ लीजिए, बाय मतलब 2, क्वाड्रेटिक मतलब 2, 2 जा 4, इसलिए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जानना डिग्री के अकॉर्डिंग हम लेने हैं। अब इसमें भी एक और देख लीजिए, खाली अगर 5 हो तो 5 में व्हाट इज द डिग्री, आप बोलोगे सर लैटिन नहीं है तो मैंने बोला ये ना, तो डिग्री कितनी हो गई 0। जब 0 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मतलब खाली 5, -7, 11, 15, -5/4, ये सब क्या है, कांस्टेंट खाली नंबर्स है बट स्पेशल। बट अगर 0 हो तब मुझे बताओगे इसकी डिग्री कितनी है, इसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल। पर आपके लिए यहीं पे क्वेश्चन है, व्हाई 0 इज कॉल्ड, 0 इज नॉट कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 0 को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों नहीं कहते हैं। जिसको आता है फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। अब एक बार एक्सरसाइज में आ जाते हैं, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको बोला है हमारी वेरिएबल क्या सिंगल वेरिएबल वाला है, वेरिएबल वाला है या डबल है या ट्रिपल वेरिएबल। फिर आपसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कितने वेरिएबल चल रहे हैं, एक ही वेरिएबल चल रहा है, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। सेकेंड वाला, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल। अब यहाँ ध्यान में रखिए रूट 2 है, रूट 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ रूट के अंदर लेटर्स नहीं होनी चाहिए बेटा, ध्यान रखिएगा। रूट 2 क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे देखिए क्या ये पॉलिनोमियल है, रूट टी है, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज कारण बताइए, वेरिएबल रूट टी का मतलब क्या होता है, टी की पावर हाफ, और पावर्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, इसलिए ये नहीं है पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है, अपॉन में वाई चल रहा है, नहीं है ये, क्यों, क्योंकि उसको एस एल किंग ऊपर आएगा और पावर किस में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या ये पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का है, नहीं है, तो तीन तीन वेरिएबल चल रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल्स का है। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट खत्म।
जाइए एग्जाम्पल देना, बाइनोमियल जिसमें डिग्री 35 हो, अब डिग्री 35 का मतलब हाईएस्ट पावर, बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म होनी चाहिए, ये लिख दी दो टर्म बीच में साइन प्लस का, अब किसी के लिए एक की पावर कितनी कर दो 35, तो हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं आप, दो टर्म्स होनी चाहिए। मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो, लो हो गया मोनोमियल, क्योंकि मल्टीप्लाई से अलग अलग नहीं होते, ये मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 था। फटाफट से बताइए डिग्री, व्हाट इज द डिग्री, हाईएस्ट पावर 3, व्हाट इज द डिग्री 2, व्हाट इज द डिग्री 1, एंड व्हाट इज द डिग्री, कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, खत्म। फटाफट से बताइए लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3, फटाफट से बताइए डिग्री क्वाड्रेटिक क्योंकि 2 डिग्री, क्यूबिक 2 है, क्वाड्रेटिक 1 है, लीनियर 1 है, लीनियर 2 है, क्वाड्रेटिक और 3 है क्यूबिक। सो खत्म, लास्ट एक और टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 2 एक और, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब नया वर्ड आ रहा है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होता क्या है, कैसे निकालते हैं उसको एक एक करके देखिए। सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो जो आपको पॉलिनोमियल दिया है उसमें एक्स स्क्वायर ढूंढिए, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ढूंढिए, आप देखेंगे ये वाली 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लिख देता हूँ वापस, ये है पूरी टर्म एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है और जो साइन है वो लिखते हैं, वो होता है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसके आगे नंबर कुछ नहीं है तो 1 और साइन क्या है प्लस, पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम खाली 1 लिखते हैं। आ जाइए सेकंड वाले को बताइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले उस टर्म पे जाइए ये टर्म, उसके आगे नंबर कुछ नहीं है तो 1 और साइन माइनस, इस बार माइनस लिखेंगे, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती पर माइनस, यहाँ पर बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी उसके आगे पाई बाई टू। चलिए यहाँ पर बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, जो है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0। एक और कुछ और एग्जांपल देख लीजिए, 4t² - 5t - 5, बताइए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर वाली टर्म पर जाइए 4, कोफिशिएंट ऑफ टी क्या होगा, टी वाली टर्म पे जाइए -5, और कांस्टेंट टर्म जिसमें कुछ नहीं होता उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 0 भी बोला जा सकता है, या कांस्टेंट टर्म कितनी -5। सो फ्रेंड्स इसी के साथ फर्स्ट एक्सरसाइज और साथ साथ में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम आज कंप्लीट कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, आप इसको एक और बार रिवाइज कीजिएगा अच्छे से ताकि आपके 10th क्लास में भी काम आए। इसी प्रकार हमारे साथ में बने रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच।